Happy birthday to you. Happy birthday to you, Drishti. Happy birthday to you. Thank you भी नहीं बोलना जरूरी, समझ रही है ये घर, ये देख सकते हो इतना खुश है, अपना केक लेने जा रही है मैडम, तो मैं भी जा रही हूँ साथ में, बहुत लेट हो गए हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ रेखा, आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप, अच्छे होंगे उम्मीद है, आशा करती हूँ सब भले चंगे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज है दृष्टि का बर्थडे, तो मैं ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सो गई थी, मेरा सर दुख रहा था, तो मैंने तैयारी सब कर ली है। तो रेसिपी प्रॉपर मेरे चैनल पे आपको मिलेगी जो जो मैं आज बनाऊंगी, फिर भी मैं दिखाऊंगी कि मैं आज क्या क्या स्पेशल दृष्टि के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं केक लेने, केक लेके आते हैं, बिना केक के बर्थडे क्या। तो आप लोग भी विश कीजिए मेरी बिटिया रानी को। तो चलो केक लेके आते हैं, आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल पे बने रहिए कि हम पार्टी कैसे इंजॉय कर रहे हैं बर्थडे का। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में। सबसे पहले दोस्तों सृष्टि यहाँ गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले रही हैं, देख सकते हैं ये मेरे सोसाइटी के गणपति बप्पा हैं, तो यहाँ आते जाते हम जरूर प्रणाम करके जाते हैं। तो दोस्तों मैं पैदल ही जा रही हूँ, दुकान पे मिलती हूँ मैं। इसके बाद दोस्तों ये रास्ते का व्यू है, पैदल ही हम लोग जा रहे हैं एमजी रोड पे। तो ये देख सकते हैं जो सजाया गया है, ये मंदिर है, सिद्धि विनायक नाम से ये मंदिर जाना जाता है। मैं यहाँ का ब्लॉग डाली हूँ जहाँ आंटी लोग भजन कीर्तन कर रही थी, मेरे शॉपिंग वाले वीडियो में है। तो दोस्तों यहाँ पूजा होने वाली है बहुत ही धूमधाम से, जिस दिन गणेश जयंती रहेगा। तो गणेश जयंती दोस्तों 15 तारीख को पड़ रहा है, मेरे सोसाइटी में भी गणपति बप्पा का पूजा होगा, हर साल होता है, इस साल देखते हैं कितने अच्छे से हो सकता है। मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी गणपति जी का, जिस दिन पूजा रहेगा गणेश जयंती के दिन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 15 तारीख को पड़ रहा है गणेश जयंती। तो ये हम जा रहे हैं एमजी रोड पे, देख सकते हैं पहुंच चुके हैं, रास्ते का व्यू है। तो ये साथ में जो मैंने हाथ पकड़ा है मेरा बाबू है, मेरा बेटा सिद्धांत नाम है। तो कैप लगाया है इसने क्योंकि इसका बाल निकाला गया है। तो रोड हम क्रॉस कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं केक लेने। तो केक का दुकान बस थोड़ी देर में आ जाएगा। तो यहाँ हमारा रेगुलर का आना जाना रहता है दोस्तों, हम सब्ज़ी वगैरह यहीं लेने आते हैं, जो भी हमें घर की चीज़ें चाहिए रहती है। तो हमारे घर के थोड़े से ही दूर पे है, तो यहाँ रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो केक का दुकान आ चुका है, देख सकते हैं ठीक सामने है जहाँ सब आंटी लोग दीदी लोग खड़ी हैं। तो ये देखिए अब मैं एंट्री लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ से ही केक लेना क्योंकि इस बार जितने बर्थडे बच्चे लोग का पड़ा यहीं से केक गया, तो ये दुकान अभी न्यू खुली है तो हम यहीं से केक लेंगे। तो देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हर तरह के केक हैं दोस्तों। तो अभी तो वीडियो बर्थडे होने के बाद जाएगा, नहीं तो मैं आप लोग से पूछती कि आप लोग बताइए कौन सा केक लेना है। तो आप लोग नोटिस कीजिए कि मैंने कौन सा केक मैं लेती हूँ। तो इधर भी देख सकते हैं सारे फ्रूट्स फ्लेवर वाले, चॉकलेट फ्लेवर वाले, सॉरी सारे वैरायटी के केक हैं। तो ये जो भैया हैं मैं इनसे पूछ रही हूँ, तो कैमरा ऑन है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं, तो बार बार देखते रहते हैं। तो इस तरह केक देख के मैं डिसाइड करती हूँ, तो आगे मैं केक दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा केक लिया। तो दोस्तों मैंने ये देखिए ये वाला केक लिया, ये चॉकलेट फ्लेवर वाला है। तो मेरे घर में यही चॉकलेट ही वाला केक हमेशा जाता है दोस्तों, क्योंकि अंडे वाला केक मेरी सासू माँ को नहीं खाना रहता है, इसीलिए हम लोग चॉकलेट वाला ही लेते हैं। और चॉकलेट वाला अच्छा भी रहता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और हम सबको भी अच्छे लगते हैं। तो ये देख सकते हैं सृष्टि का नाम लिख रहे हैं केक वाले भैया।
तो आज सृष्टि 12 साल की हो गई हैं। 2008 फरवरी महीने में इनका जन्म हुआ था। सॉरी, तो ये देख सकते हैं केक रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, ये 8 तारीख का ब्लॉग है, ये 8 को सृष्टि का बर्थडे है और 9 तारीख को ब्लॉग जाएगा। तो केक लेके अब हम पेमेंट करके घर की तरफ निकल जाएंगे। तो केक लेने के बाद दोस्तों, मुझे थोड़ी से धनिया मिर्ची नींबू वगैरह भी लेना है, क्योंकि घर पे जो मैंने तैयारी करके रखा है तो उसके लिए मुझे थोड़े से चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ हरे धनिया मिर्ची वगैरह सब। इसके बाद मैं एक और दुकान पे जाऊंगी, मुझे ढेर सारे पाव लेने हैं। तो ये बेकरी है, तो बेकरी से पाव अच्छा और फ्रेश मिल जाता है, क्योंकि मैं वड़ा पाव भी बनाने वाली हूँ। तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो ये मेरे नीचे की दुकान है, मेरे बिल्डिंग के ठीक नीचे है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा वो जो दोना वगैरह होता है, ग्लास प्लास्टिक के, ये सब ले लेती हूँ। तो बर्थडे दोस्तों बहुत बड़ा हाई फाई नहीं है, बस हम लोग ही करेंगे, हमारे घर के लोग ही रहेंगे, बच्चे रहेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, मेरी ड्यूटी लग गई किचन में, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये देखिए मेरा किचन, तो ये रहा मेरा किचन, देख सकते हैं कितना मिसी पड़ा हुआ है, कितने सारे बॉटल हैं, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो बॉटल वगैरह ज़्यादा लगता है, क्योंकि ग्लास कितना उन लोग पानी पियेंगे, ग्लास गंदा ही होता रहता है, तो इसके लिए सबका एक एक बॉटल है। तो ये मैं दूसरे तरफ ओड़ा का तैयारी कर रही हूँ, देख सकते हैं आलू मैंने उबाल के उसको फ्राई वगैरह कर लिया है। और जो कढ़ाई में तल रही हूँ मैं मंचूरियन बना रही हूँ, क्योंकि मैं ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों ग्रेवी वाला भी मंचूरियन मेरे चैनल पे प्रॉपर तरह से है, अगर आपको ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाना है तो आप जाके रेसिपी देख सकते हैं। इसमें मैं आपको प्रॉपर तरह से रेसिपी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे आइटम बनाने थे। तो देख सकते हैं मैं बाहर की तरफ देख रही हूँ, बच्चे कुछ बुला रहे थे, तो अभी थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाते हैं किचन में। तो मेरे घर में दोस्तों 5 बच्चे हैं, तो 2 फ़िलहाल मेरे हैं, आप लोग ने कई वीडियो में देखा है, और 3 बच्चे मेरे जेठ जेठानी के हैं, तो हम लोग साथ में ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली मेरी है। तो बच्चे भी आ जाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है कि चाची किचन में कैमरा लगाई है। तो मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा के रखा था। ये देख सकते हैं मैं वड़ा तलने जा रही हूँ, तो बेसन वगैरह मैं सब पहले से ही तैयार करके गई थी। केक लाने के बाद बस मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठंडा होने के बाद मज़ा नहीं आता है। तो मैंने इसी तरह मैं बनाती हूँ बर्थडे में, सब घर पे ही चीज़ें। तो ये देख सकते हैं सृष्टि मालवणी मसाला लेके आती है, मतलब महाराष्ट्र का मसाला है, ये वड़ा पाव में डाल के खाया जाता है, बहुत चटपटी सा मसाला रहता है, लहसुन अदरक का यही सब का रहता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने नीचे भेजा था उसको लेने के लिए, तो ये लेके आई है। इसके बाद देख सकते हैं उसके साथ साथ एक एक करके सारे बच्चे आ जाते हैं, अभी आप लोग को मैं बताती हूँ। तो ये जो छोटी सा ब्लू कलर का टी शर्ट पहनी है, ये मेरी जेठानी की छोटी बेटी है, अनन्या नाम है। ये वाइट जो पहना है ये आर्यन है, मेरे जेठानी का बेटा है बीच वाला। तो ये देख सकते हैं सबको कैमरा पता चल गया, तो हाय बोल रहे हैं। इसके बाद ये है अक्षिता, मेरी जेठानी की बड़ी बेटी। तो ये तीनों मेरी जेठानी के हैं, बस मेरा बेटा नहीं आया है, पर वीडियो में आप लोग ने उसको भी देखा है। तो इसी तरह मैं एक एक करके मैं अपने बाकी के भी फैमिली को दिखाऊंगी। आप लोग ने मेरे ब्लॉग में मेरी जेठानी को भी देखा है, तो आप तो बच्चे लोग को भी देख लिया, तो अभी थोड़े ही लोग रह गए हैं ब्लॉग में आना, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी, मेरे देवर और मेरी सासू माँ, इन लोग को भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगी अपने वीडियो में। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों, मैं जा रही हूँ ग्रेवी बनाने, मंचूरियन ग्रेवी। ये मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल,
तो मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आप चाइनीज़ चीज़ें बना रहे हैं तो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा वेस्ट होता है। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है और आँच को एकदम हाई फ्लेम में रखना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और कटी हुई बारीक मिर्ची। तो ये तीनों को बारीक बारीक मैंने चॉप किया है। तो इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी तेज़ आँच पे ही, ब्राउन नहीं करना है, फटाफट करना है। इसके बाद मैं डालूँगी ढेर सारी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में देख सकते हैं प्याज, गाजर, हरा प्याज, लाल शिमला मिर्च, हरा शिमला मिर्च, सब मैंने बारीक चॉप कर लिया है चॉपर से। तो इन सबको मैं फटाफट फ्राई करूँगी। आँच को ध्यान रखे तेज़ पे ही रखना है और सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है फटाफट। तो इसके बाद मैं डालूँगी, ये देखिए क्या आने वाला है, ये रहा पानी। तो इस पानी में मैंने कॉर्नफ्लावर आटा, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, सेजवान सॉस और विनेगर, सारे सॉसेस मैंने डाल के इसका एक पानी तैयार कर लिया है, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं। तो अब इसे मैं अच्छे से पकाऊंगी। नमक भी मैंने डाल दिया है। तो इधर बर्थडे स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं सबसे पहले केक कटर में जा रहा है। तो दोस्तों ये सब नाश्ता है जो मैंने बनाया है, ये है रगड़ा पेटी। तो ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं अपने न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।